बोतलें प्रेगनेंसी में वो बदलते रहते हैं, ये तो मैंने गौर कर दिया है पहली बार। क्योंकि जिस टाइम ने मेरे को कि मेरी ननन जी है यानी कि ज्योति की सगाई हो चुकी है, परसों हुई उसकी सगाई, लेकिन वीडियो नहीं है मेरे पास क्योंकि ये सोच रही होंगे कि थोड़ा बहुत वीडियो भी होती थी सगाई की, तो यानी कि उतनी धूमधाम से नहीं मनाई है, तो थोड़ा बहुत ही मनाई है तो वीडियो नहीं बन पाई। आप सभी को कुछ पता चल गया है कि यानी कि बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है। मैं तो ससुर जी भी जाने वाले हैं अब दूसरे जिले में काम करने, यानी कि पैसे कमा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति गनोटियाल और मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योति गनोटियाल ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 9 बजे से। बाकी दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम ना आज इस प्रकार से है, बहुत प्यारी धूप आ रखी है और धूप के साथ देखो हल्की हल्की धुंध भी आ रखी है। दोस्तों आज ना थोड़ा बहुत मेरा बुखार रह रखा है, यानी कि परसों से बेहतर आज है, कल भी थोड़ा बहुत रह रखा था लेकिन आज ना थोड़ा बहुत बेहतर है। तो अभी तक ना सफाई की है और अब बनाती हूँ नाश्ता और देखती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाती हूँ। और अभी तो ठंडी लग रही है लेकिन धूप आज अच्छी आ रखी है, यानी कि 5-6 दिन से लगातार ना धूप आ रही है। जिस टाइम पर ना यहाँ पर देवर जी थे तो उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा धुंध पड़ने लग गई थी, लेकिन जैसे ही देवर जी गाँव गए उसके बाद ना बहुत प्यारी धूप आने लग गई है। तो अभी तो उधर साइड धूप आई नहीं है तो ठंड लग रही है, नाश्ता करके जाएंगे धूप सेकने। दोस्तों पतिदेव की बात करें तो पतिदेव भी आ गई है मंदिर से ऊपर। हो गए मंदिर का काम? क्या हो ठंड लग रही? जाओ जाओ, बाय बाय। और दोस्तों मैं तो बनाती हूँ नाश्ता, मैं तो तभी जाऊंगी नाश्ता बना के धूप सेकने। तो चलिए दोस्तों नाश्ता भी हो गया है और यहाँ पर ना मेरे बर्तन भी धुल के अच्छी तरह से रख दी है, बाकी कमरे की सफाई भी कर दी अच्छी तरह से। और इधर ना अभी मैंने किचन में पानी लगा रखा है गर्म करने के लिए, क्योंकि आजकल ना बिल्कुल भी ठंडे पानी पीने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं रोज ना गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए रात को भी और दिन में भी। तो अब दवाई खाती हूँ उसके बाद ना धूप सेकती हूँ आराम से, और पतिदेव चले गए धूप सेकने नाश्ता करके। दोस्तों यहाँ पर ना मेरा पानी भी गर्म हो गया है तो तब तक इसको यही करती हूँ, क्योंकि अभी अभी ना मैंने रोटी खाई है तो थोड़ी देर तक ना धूप सेकती हूँ तो तब खाऊंगी दवाई, तब इसको लेके जाती हूँ खाने के लिए अमरूद को। दोस्तों इसको ना मैं नहीं खाऊंगी, इसको खाएंगे पतिदेव, क्योंकि फल खाने का ना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्या लेट पेट हो रही है, यहाँ की धूप भी चली गई। मैं अब आ रही हूँ, अभी तक ना मेरा अंदर का काम हुआ, अभी यहाँ की धूप जाने वाली है। दोस्तों क्या करें हम, चलिए दोस्तों यहाँ पर ना थोड़ी देर तक धूप भी सेक लिया, वहाँ पर ना मेरे को सीधा नींद आने लग गई थी और ऊपर से ना मन भी अजीब सा हो रहा था, चलती हूँ अंदर दवाई खाने। दोस्तों अभी बज चुकी है शाम की 4 बज, यहाँ पर जा रहे पति देव। कहाँ जा रहे आप? नींद में चुप जाती है पार जाना। ये जा रहे हैं मुँह धुलने, बाकी मैं तो तैयार हो गई हूँ एकदम से। और दोस्तों आजकल ना मेरे साथ ये हो रहा है, यानी कि जो सिम्टम होते हैं ना प्रेगनेंसी में वो बदलते रहते हैं, ये तो मैंने गौर कर दिया है पहली बार। क्योंकि जिस टाइम ने मेरे को 3rd-4th महीना लगा हुआ था उस टाइम ने मेरे को रात को नींद आ रही थी, लेकिन आजकल पता क्या हो रहा, जैसे मैं दिन में खाना खा रही हूँ तो दिन में ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है लेकिन रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो इसीलिए ना आजकल दिन की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन रही, यानी कि खाना खा के ना इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना मन कर रहा कहाँ पर सो जाऊँ। तो दिन में ना मेरा सोने का काम हो रहा है और 4 बजे उठ रही हूँ खड़ी, अभी भी मन कर रहा है कि सो जाओ, लेकिन रात को ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो और परसों की वीडियो में किसी का कमेंट्स आ रहा था, यहाँ पे मेरे मुंह पे ना सूर्य की किरणें लग रही,
यानी कि किरण लग रही पीली दिखाई दे रही। और पति देव भी मुँह हाथ धुल के आ गए। किसी का कमेंट्स आ रहा था कि अपने ससुराल के बारे में भी बताया करो कि ससुराल में क्या हाल चाल है, यानी कि कैसे हैं सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले ना देवर जी हमारे साथ थे, तो आजकल ना वो भी गांव जा रखे हैं। बाकी ससुर जी भी आ रखे हैं घर में आजकल, क्योंकि आजकल तो शादी का सीजन है, तो भाई बंद में किसी की शादी भी थी तो ससुर जी को वहाँ पर आना ही था, तो ससुर जी भी जा रखे हैं घर। ज्योति और साहू जी तो घर पर ही रहते, साथ में रोके हैं, तो सभी लोग ना बढ़िया है। तो आजकल ना मैं आप सभी लोगों को एक खुशखबरी सुनाती हूँ। मैंने आप सभी लोगों को 3 दिन से बताई नहीं है, यानी कि ये काम ना 3 दिन पहले हो गया, तो मैं आज बता रही हूँ। मैंने सोचा कि तभी बताऊंगी जब मैं गांव में जाऊंगी, तभी आप सभी लोगों को खुशखबरी दूंगी, लेकिन तब तक तो मेरे को 3-4 महीने हो जाएंगे घर जाते जाते, तो मैंने सोचा कि अभी बता देती हूँ। तो खुशखबरी ये रही कि मेरी ननंद जी है, यानी कि ज्योति की सगाई हो चुकी है, परसों हुई उसकी सगाई। लेकिन वीडियो नहीं है मेरे पास, क्योंकि ज्योति के पास फोन नहीं था, और मतलब फोन तो है उसके पास, लेकिन उसका फोन ना उसी दिन उसका पति ने लाया है। और देवर जी के पास फोन है, लेकिन देवर जी को मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत वीडियो बना देना, लेकिन उनको ना टाइम नहीं हुआ है वीडियो बनाने का। होता है घर में छोटा मोटा काम हो ही जाता है, तो उन्होंने ना वीडियो नहीं बनाई है। तो जो फोटो होंगी ना थोड़ा बहुत उनको मैं वीडियो में क्लिप कर दूंगी। तो ये खुशखबरी मैंने आप सभी लोगों को सुना दिया है, यानी कि मेरे मन में ये खुशखबरी पची नहीं है। क्या हुआ? ये देखो मेरी ठाटा भी लगा रही पीछे से, इनका यही काम है बाहर। मैंने ये खुशखबरी बता दी है। क्या हुआ? तो दोस्तों जब ना गांव जाऊंगी तो सभी लोगों को ज्योति से भी मिलाऊंगी और उसको बधाई भी दूंगी। वैसे तो मैंने उसको दे दी थी बधाई, लेकिन आप सभी लोग ना उसको कमेंट्स में बधाई दे देना। और अभी शादी शुदी कुछ नहीं है, यानी कि 3-4 साल बाद शादी नहीं है, तो देखते हैं कि ज्योति के ससुराल वाले क्या कहते हैं। कब कराएंगे अपनी बहन की शादी? 2-3 साल। हाँ ये होता है ना कि लड़की का ये होता है कि जब सगाई हो जाती है तो लड़के वाले लोग परेशान नहीं करते, नहीं तो सासू जी और ससुर जी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि लड़के वाले ना बार बार आ रहे थे उसको देखने। होता है, मेरे को पता है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई थी, तो हम भी बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। और इस टाइम पर तो गाँव में यानी कि हमारे ब्राह्मणों में ज़्यादातर लड़कियाँ मिल ही नहीं रही लड़कों के लिए। लड़के बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन जो लड़की है ना वो बहुत छोटी छोटी है। तो मेरी ननंद जी की छोटी उम्र में सगाई होगी, यानी कि अभी ना वो 21-22 साल की है, उसकी सगाई हो गई। हटो वहां से, अंधेरा आ रहा। उसकी भी सगाई हो गई है, तो अब ना ज्योति को भी लड़के वाले परेशान नहीं करेंगे और सास ससुर जी भी परेशान नहीं होंगे, यानी कि सगाई हो गई तो कोई लड़के वाले परेशान नहीं करते लड़के वालों को, क्योंकि सबको पता चल जाता है ना कि उस लड़के की सगाई हो रखी। बाकी दोस्तों आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा बहुत वीडियो भी होती थी सगाई की, तो हम भी देखते थे कि सगाई कैसी मनाई गई थी। तो सगाई ना थोड़ा बहुत ही मनाई गई थी, यानी कि पूजा पाजा की है, यानी कि उतनी धूमधाम से नहीं मनाई है, तो थोड़ा बहुत ही मनाई है, तो वीडियो नहीं बन पाई। आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि देवर जी ने तो बनाई नहीं और ज्योति के पास फोन नहीं था, तो इसलिए ना वीडियो नहीं बनी है। जो ना 2-4 फोटोज होंगे उनको मैं क्लिप कर दूंगी वीडियो में, ताकि आप सभी लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ज्योति की सही में सगाई हो गई। तो अब ना मैं चाय बनाती हूँ। चाय के बिना ही नहीं रहते हैं। सुबह उठो, चाय दे दो मेरे को, खाना बनाए चाय ना बनाए, लेकिन चाय इनके लिए चाय 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 फिर चाय चाय करे। और दोस्तों अब तो मैं चाय बनाती हूँ अदरक वाली, और आजकल मैं भी चाय पी रही हूँ। 3-4 महीने तक तो मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी, क्योंकि चाय पीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। वो सभी लोग यानी कि वो सभी लड़कियों को पता होगा कि 3 महीने में क्या क्या बीतती है, तो मेरे को भी पता चल गया है, क्योंकि पहले प्रेगनेंसी में पता नहीं रहता है कि क्या क्या होता है। अब सब कुछ पता चल गया है कि यानी कि बहुत ज़्यादा
वो करना पड़ता है माँ बनने के लिए, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। और अब मैं चाय बनाती हूँ, पतिदेव जाएंगे मंदिर में, बाकी मेरा काम है शाम के टाइम पर घूमने का। मैं तो आजकल मंदिर में नहीं जा रही हूँ, यानी कि सीढ़ियों से मेरे को आजकल नफरत हो गया है, नीचे आने में भी और ऊपर आने में। नहीं तो एक दिन में ना मैं कम से कम 10 चक्कर लगा देती थी, लेकिन आजकल मैं एक बार भी नहीं जा रही हूँ सीढ़ियों के नीचे ऊपर। हाँ एक बात तो मैं भूल गई, लेकिन अभी ना ससुर जी गाँव में है, तो ससुर जी भी जाने वाले हैं अब दूसरे जिले में काम करने, यानी कि पैसे कमाने, क्योंकि अभी ना लोगों का कर्ज थोड़ा बहुत रह रखा है, तो कर्ज देना भी जरूरी है, क्योंकि जब लोगों का लेना है तो देना भी पड़ता है। तो देवर जी भी इसी कारण से खास कर घर गए हैं, क्योंकि ज्योति की सगाई भी थी और गाँव में मेला भी था और भाई बंधुओं की शादी भी थी, तो शायद ना देवर जी हमारे साथ भी आ सकते हैं कुछ दिनों बाद, तो देखते हैं, वो आप सभी लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। तो जैसे ही मैं किचन में गई, किचन भी यही है, कमरे भी यही है, लेकिन आदत पड़ रखी है, किचन में गई और यहाँ पर तो पतिदेव तैयार हो ही रही है, लेकिन दूध नहीं दे रहा था, क्या कहूँ, नहीं बना चाय, चाय नहीं बनाऊंगी अभी लाएंगे दूध नहीं ला, बढ़िया था दोस्तों की बार चाय पीते नहीं, क्योंकि दूध नहीं ले रखा है, तो मैं भी चली गई बाहर, ठीक है। दोस्तों आज चले गए हैं पतिदेव बिना चाय पी के मंदिर में, क्योंकि दूध नहीं रह रखा था, क्योंकि पतिदेव ने कहा है कि बाद में ही बनाना चाय जब मैं आरती कर दूंगा, क्योंकि अभी ना जो दूध की डायरी वाला है ना, इन दुकान वाला है, यानी कि दूध की दुकान वाला है, उसकी दुकान ना कुछ टाइम बंद रहती है, 4 यानी कि 4 बज रही थी, अभी तो 5 बज गई है, लेकिन अभी ना पतिदेव नहीं जा सकते दूध लेने, क्योंकि अभी ना आरती का टाइम होने वाला है, क्योंकि आरती की तैयारी भी करनी पड़ती है, तो आरती की तैयारी कर चले गए हैं पतिदेव। और आजकल मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ब्लॉगिंग करते टाइम, यानी कि थकान से महसूस हो रही है। आजकल ना आप सभी लोग आरती की वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रही हूँ सीढ़ियों से, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, और अब ना मैं ऊपर ही थोड़ा बहुत वॉक करती हूँ, तो आजकल मेरा यही काम हो रहा है शाम के टाइम पर, यानी कि ऊपर ही घूम रही हूँ, नीचे बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार से व्यस्त रहे। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट।